मैंने अभी समझा कि गॉड है क्या, तो जो शब्दों के वाक से मैं समझा हूँ वो जो गॉड है, जो ईश्वर है, जो अल्लाह है, वो उसके शब्दों में ही छुपा हुआ है। अक्सर मैंने स्कूल में जाकर समझा था कि हम सब लोग आदि मानव की संतान हैं, और जब से मैंने ये समझ लिया और अब जो शुभवर्धन ने मुझे समझाया वो बिल्कुल विपरीत है। किसी भी चीज़ को सोचने में जो शक्ति लगती है वो सम्मान है, वो नेगेटिव सोचो या पॉजिटिव सोचो। नेगेटिव बोओगे तो नेगेटिव निकलेगा, पॉजिटिव बोओगे पॉजिटिव होगा। कई बार आपने देखा है आम बोया है सेब कभी नहीं निकला है, और अगर आपने किसी को दुख पहुँचाया है आप सुखी होगे ऐसा हो नहीं सकता। गुस्सा आप किसी को करो वो कुछ बात को समझे या ना समझे पर आप विचलित हमेशा होते हैं। तो ये बात सच है, नेगेटिव बोओगे नेगेटिव होगा, पॉजिटिव बोओगे पॉजिटिव होगा। जब मैं स्कूल कॉलेजों में जाकर एक बात बचपन से समझ लिया कि मेरे पूर्वज आदि मानव थे, तो मेरे पास अब समझ आ रहा है कि आदि मानव वाले गुण आ रहे हैं। और यहीं पर शुभ वरदान क्लास में रहकर आप लोगों के बीच रहकर मैंने समझा गॉड क्या है। जी यानी कि जनरेट कर रहा है, ओ यानी ऑपरेटर है, और डी यानी कि डिस्ट्रॉय भी कर रहा है। मैंने अक्सर फिर मैंने अपने घर में रहकर एक बात को समझा था, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ने सृष्टि को रचाया है और शिव भगवान ने उसको आदेश दिया है। सबसे बड़े क्रिएटर है हमारे शिव और फिर है ब्रह्मा विष्णु महेश। इस बात को हेल्थ कोच पंकज आपसे एक बात कहता है, अगर बात करें गर्दन से ऊपर ये है क्रिएटर, क्रिएट कर रहा है, और यहाँ से लेकर मैं बात करूँ नाभि तक ये आपको पावर दे रहा है कि जो कुछ भी आपने सोचा है या खाया है उससे जो विटामिन और मिनरल्स आपको मिले वो बॉडी में अब्जॉर्ब हों। कई बार आपने देखा है खाया तो कैल्शियम था पर अब भी कैल्शियम की कमी है, आयरन खाया था दवाइयों के रूप में तब भी आयरन की कमी है। ये होता कब है? जब बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होता। और यहीं पर जब उस खाने से उस विचारों से जो सोच रहा था तुमने वो सोच लिया, सोचने वाले तो तुम ही हो, तो वो डिस्ट्रॉय करता है हमें, वो है पेट जो साफ करने की प्रक्रिया है। तो तीनों ही प्रक्रिया हमारे शरीर में चल रही है, चाहो तो उससे क्रिएशन करो, चाहो तो ऑपरेट करो, और जब भी आप कुछ नहीं करोगे डिस्ट्रॉय होगे। जमीन में कुछ बोओगे नहीं ऐसा नहीं है कि कुछ निकलेगा नहीं। अगर आप दिमाग में अच्छे पॉजिटिव विचार डालते रहेंगे, शुभ वरदान टीम में आकर उन विचारों को लेते रहेंगे, तो आपके अंदर भी ऐसा बदलाव होगा कि आपको पता नहीं होगा, बदलाव पॉजिटिव की तरफ ही होगा। थैंक यू सो मच।